हेलो एवरीवन, आज हम अतीत में दबे पांव इस पाठ का सारांश पढ़ रहे हैं। लेखक कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, यानी कि जिन्हें योजना करके बनाया गया था। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भोंडे, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि बने हैं मिले हैं। हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। जब रेल लाइन ने बिछाई गई तो इन्हें मिट्टी में मिला दिया गया, तोड़फोड़ इनके साथ कर दी गई। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे छोटे जो टीले थे उन पर आबाद था और ये प्राकृतिक नहीं थे, यानी कि मनुष्य ने इन्हें बनाया था। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों और गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। शहर के सबसे ऊँचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्णशीर्ण टीले पर बना हुआ है। जीर्णशीर्ण यानी टूटा फूटा टीला, जो है मिट्टी का टीला होता है, उस पर यह बना हुआ है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जनरल मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत दुनिया की प्राचीन लेखक सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। सर्दी के मौसम में भी धूप घुमाएं तो तस्वीरों के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर स्तूप बना हुआ है उसे गढ़ यानी किला कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में बने हुए हैं, यानी कि पश्चिम दिशा में हैं ये, और इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। कोठार किसे कहते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो कोठार वह होता है जहाँ पर अन्न का भंडारण किया जाता है, अनाज को भंडारित किया जाता है, संभाल कर रखा जाता है। चबूतरे के गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में टूटे घर कामगारों के हैं, यानी दक्षिण दिशा में जो मजदूर लोग हैं उनके घर बने हुए हैं। इसमें तीनों तरफ साधुओं के कक्ष हैं, एक जो 40 से 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा जो है मार्ग बनाया गया है उसमें साधुओं के कक्ष हैं। इनमें किसी का दरवाज़ा दूसरे के सामने नहीं खुलता है और इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। यहाँ नौ नौ चौकियों के 3 कतारें हैं और उत्तर की एक गली में बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि बैलगाड़ियाँ जो थी वो माल की ढुलाई के लिए काम में ली जाती रही होंगी। और पत्थर और तांबे की बहुतायत यहाँ पर थी, परंतु लोहा नहीं था। सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा, यानी कि यहाँ पर राजा की सभाएं हुआ करती होंगी। गढ़ की चार दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था, यानी कुछ टीले टूट फूट गए थे। पूरब की बस्ती रसोइयों की बस्ती है। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ज़्यादा कुएं पाए जाते हैं। डीकेजी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे ऐसा माना जाता है। सभी पकी हुई ईंटों से बने हुए थे और ईंटें भी एक ही आकार की हैं, यानी 1:2:4 के अनुपात की हैं। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार है, खिड़कियाँ नहीं हैं, यानी केवल दरवाजे हैं, विंडोज़ नहीं हैं।
बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने हुए कमरों में खिड़कियां हैं, यानी जो बड़े घर हैं उनमें खिड़कियां भी हैं। घर छोटे बड़े सभी प्रकार के हैं। सभी घर एक ही कतार में बने हुए हैं तथा अधिकतर का आकार 30x30 फीट का है। 30x30 फीट के घर हैं। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है। इसका कारण आबादी बढ़ना तथा निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। सीढ़ियां शायद लकड़ी की रही होंगी, ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। तेज हवा बह रही थी, हर जगह लेखक को साय साय की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडहर हैं, नहीं है, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है। किसी भी घर समय एक अपराध बोध भी होता था। लेखक को यहाँ राजस्थान व सिंध गुजरात के घर याद आ गए। यहाँ बाजरे और ज्वार की खेती हजार सालों से होती है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उसे जैसलमेर के गांव कुलधरा की भी याद आई, जहाँ पर अभी बिल्कुल सुनसान हो चुका है। कुलधरा गांव को अपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं रहते हैं और काफ़ी पुराना गांव है। यह पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत घर है। यह घर है परंतु लोग नहीं हैं। 150 साल पहले राजा से तकरार होने पर गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़ करके चला गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। मेजबान ने अजायब घर के बारे में बताया। अजायब घर छोटा है, सामान भी ज़्यादा नहीं है। अधिकतर चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन से लाई गई हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य और चाक पर बने हुए मृत भांड यानी मिट्टी के घड़े, चौपट की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, दो पाटों वाली चक्की, कंघी, पत्थर की औजार और सोने के गहने आदि मिले। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। अतः अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे, यानी कि वह कला को प्रेम करते थे। वास्तु कला है, कला प्रियता, धातु और पत्थर की मूर्तियां बनाना, मिट्टी के भांड बनाना और उन पर चित्रकारी करना। चित्रों में मनुष्य है, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ आदि बनाए गए थे। आकृतियों में खिलौने सुघड़ अक्षरों से सिद्ध होता है कि उनको सौंदर्य बोध भी था, सुंदरता का ज्ञान भी था। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। यहाँ हाथी दांत व तांबे के सुए भी मिले हैं, जो शायद दरियां बनाने के काम आया करते थे। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब इन खंडहरों को बचाकर रखना ही बड़ी चुनौती है। यहाँ पर शब्दार्थ आप देख सकते हो, शब्दार्थ में आपको काफ़ी शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे जो हमें पता नहीं होते हैं। इससे पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रश्नोत्तर देख करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? इसमें आप ये देखिए, इसका उत्तर सारा आपको मिल जाएगा। फिर ये प्रश्न आता है कि पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? इसका भी उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके नोट्स बना सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। बोधात्मक प्रश्नों में भी आप देख सकते हो, अजायब घर में रखे सिंधु सभ्यता के पुरातत्व के अवशेषों से किसका महत्व सिद्ध होता है, कला का या ताकत का? मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्ती पर टिप्पणी कीजिए, ये भी प्रश्न है।
ये सारे प्रश्न भी आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न आ जाते हैं।